आज हम फिर नरसिंहपुर जिला गाड़रवाड़ा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 21वें शिवाजी वार्ड में आए हुए हैं। हम आपको बता दें, भाजपा के जो युवा नेता हैं रितेश राय, जो पहले भी पार्षद भाजपा के रह चुके हैं, इस बार वो शिवाजी वार्ड से लड़ रहे हैं। तो हमारे सामने सीधे हम आपको मिलाते हैं जो वार्ड क्रमांक 21 है शिवाजी वार्ड में रितेश राय। रितेश जी राय, आप एक बड़ा चेहरा है भाजपा के, सांसद के बहुत करीबी माने जाते हैं, ऐसा क्या क्या ऐसी क्या पहल रहेगी 21 नंबर वार्ड की जिसको देखकर नागरिक आपको वोट दें? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी श्रीमती जी वैशाली रितेश राय चुनाव लड़ रही हैं। शिवाजी वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिवाजी वार्ड में मूल रूप से बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि नाला निर्माण है, बहुत सी रोड नालियां हैं, और भी BPL राशन कार्ड हैं, कुछ पट्टे की समस्याएं हैं। मैं इन सब के लिए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मैं यहां की सीधी बात यह है कि मैं यहां की दिशा बदलने आया हूं। मेरा यही संकल्प है कि इसी लगातार पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, उनकी योजनाएँ बड़ी बड़ी कार्य कर रही हैं नागरिकों के लिए, ऐसी क्या योजना रहेगी जो आप नागरिकों तक जन जन तक पहुँचाएंगे? आज की डेट में मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने इतनी योजनाएं चला रहे हैं कि हर मतदाता को, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को भी मोदी जी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हमारा प्रथम संकल्प है कि वार्ड के प्रत्येक मतदाता को विकास की धारा से जुड़ना है, यही हमारा प्रथम संकल्प है। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मतदाताओं के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूँ। सांसद जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी कहे जाते हैं आपकी पार्टी में, तो आपके दिशा निर्देश में ऐसा कौन सा काम बड़ा रहेगा जो आप उनसे करवाएंगे? माननीय सांसद जी, पर होशंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, 15 लाख लोगों का मत माननीय सांसद जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और केंद्र की सरकार में देश चलाने वाले लोगों में 547 लोगों में माननीय सांसद जी का नाम है, और वो हमारे बड़े भाई हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से शिवाजी वार्ड के अंदर विगत 5 वर्षों तक निरंतर विकास कार्य चलता रहेगा, यही मेरा संकल्प है। पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल द्वारा भी, जो आपकी भाजपा पार्टी के नेता थे, विधायक थे, उनके द्वारा भी बहुत विकास कार्य कराए गए हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद है? माननीय सम्मानी कक्का जी, गोविंद सिंह जी पटेल साहब का भी हमेशा हम लोग सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। उन्होंने भी गाडरवारा विधानसभा को विकास की धारा से जोड़ने का हमेशा प्रयास किया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से शिवाजी वार्ड में विकास कार्य कराया जाए। जो कांग्रेस की पूर्व विधायक थी श्रीमती सानिया स्थापक, वह भी अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो कहीं कहीं निश्चय थी क्या उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा? हमारे यहाँ जितने भी गाडरवारा विधानसभा में पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हम सब उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन लेते हुए, चाहे वार्ड के अंदर रोड हो, नाली हो, विद्युत व्यवस्था हो, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब चीज़ों, उन योजनाओं के लाभ के लिए हम सारे मतदाताओं की लड़ाई नगरपालिका पहुंचकर हृदय से करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं रितेश राय द्वारा साफ साफ यही कहा गया है कि अगर मुझको मौका मिलता है, यहाँ के नागरिक मौका अगर मुझको चुनते हैं, तो जो केंद्र सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, और जो सांसद निधि से जितना भी काम होगा, तो निश्चित ही इस वार्ड में हम विकास की गंगा बहाएंगे। उनके द्वारा साफ साफ यही नागरिकों से अपील की गई है कि एक बार मुझे मौका दें और शिवाजी जो वार्ड है यहाँ का मुझे पार्षद बनाएं, जिससे मैं यहाँ का विकास तेजी से कराऊँ।